वेरी गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ मनोज कुमार शर्मा, प्लस वन कॉमर्स सेक्शन के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की इस क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज फ्लो चार्ट, द सिंबल्स यूज्ड इन फ्लो चार्ट एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? किसी भी प्रोग्राम के लिए बनाए गए एल्गोरिथम को डायग्राम में प्रदर्शित करने के लिए फ्लो चार्ट बनाया जाता है। उस डायग्राम के अंदर प्रोग्राम को लिखा जाता है जिससे आसानी से समझ में आ जाए कि प्रोग्राम कैसे चलेगा। फ्लो चार्ट में स्क्वायर का साइन, रेक्टेंगल का साइन, डायमंड का साइन, देन एरो का साइन इत्यादि जैसे सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं सिंबल से ही हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि प्रोग्राम जो है वो कैसे रन कर रहा है। जैसे कि आपके सामने एक सिंबल्स दिखाए दे रहे हैं जो कि एक फ्लो चार्ट का प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत जो फर्स्ट बटन है वो स्टार्ट और एंड का सिंबल होता है। इस सिंबल का प्रयोग फ्लो चार्ट में किसी भी फ्लो चार्ट को शुरू और बंद करने के लिए किया जाता है। शुरू करने के लिए स्टार्ट और ख़त्म करने के लिए एंड का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड जो सिंबल है वो है इनपुट और आउटपुट का। इनपुट सिंबल का इस्तेमाल किसी वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए किया जाता है। अगर आपको रिजल्ट डिस्प्ले करना है तो आपको इस सिंबल का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको किसी दो नंबर को जोड़ना है या दोनों का सम शो करना है तो भी हम इस सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। द नेक्स्ट सिंबल इज प्रोसेस। जब हमें किसी प्रकार का कैलकुलेशन करना होता है तब हम इस सिंबल का प्रयोग करते हैं, जैसे किसी नंबर को जोड़ना, घटाना आदि। इसमें हम सभी तरह के कैलकुलेशन कर सकते हैं। फ्लो चार्ट में नेक्स्ट सिंबल है डिसीजन। इस सिंबल का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें किसी प्रकार का डिसीज़न लेना हो या हमारा कोई क्वेश्चन है। यदि हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन है तो हम फ्लो चार्ट के इस साइन का प्रयोग करते हैं। इस साइन में सही और गलत जो है, या ज़ीरो और वन के रूप में जो है वो इसका हमें जो है वो एक्सप्रेशन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्शन, एरो। ये जो साइन है वो फ्लो चार्ट किस दिशा में जा रहा है ये बताता है। इसका पता लगाने के लिए हम इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। किसी भी फ्लो चार्ट में अगर आपको डायरेक्शन शो करना है कि डाटा कहाँ जा रहा है या किस दिशा में फ्लो कर रहा है तो आपको इस एरो सिंबल का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट सिंबल है कनेक्टर का। इस सिंबल का प्रयोग फ्लो चार्ट में एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने के लिए किया जाता है। मतलब दो फ्लो चार्ट को आपस में जोड़ने के लिए इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। अगर आपके पास दो फ्लो चार्ट हैं और आपको दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करने हैं, कनेक्टेड हैं, और आपको ये शो करना है कि यह एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो आप इस सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज कमेंट्स, एक्सप्लेनेशन सिंबल। फ्लो चार्ट में इस सिंबल का प्रयोग किसी भी तरह का कमेंट या
एक्सप्लेनेशन देने के लिए किया जा सकता है। अगर आपको फ्लो चार्ट में कोई कमेंट करना है या एक्सप्लेन करना है तो इस सिंबल का प्रयोग किया जा सकता है। देन द लास्ट सिंबल इज प्रेपरेशन। फ्लो चार्ट में इस सिंबल का प्रयोग एडवांस्ड प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग प्रोग्रामिंग में प्रेपरेशन के लिए किया जाता है। अब आप देख सकते हैं आपके सामने इंटरेस्ट ब्याज कैलकुलेट करने का यदि फ्लो चार्ट हमने बनाना है तो किस तरह से हम किन किन सिंबल्स का प्रयोग करेंगे ब्याज की कैलकुलेशन करने के लिए। तो स्टार्ट बटन, देन प्रोसेस का बटन है रीड पी टी आर इनपुट, देन प्रोसेस का बटन है हमारे पास, देन रिजल्ट का बटन है, देन स्टॉप। ठीक है, तो जब हम इनपुट डालेंगे तो प्रिंसिपल, देन टाइम, देन रेट डालेंगे, देन प्रोसेस उसकी कैलकुलेशन जो भी है फार्मूला लगाएंगे, देन उसका रिजल्ट जो है वो प्रिंट वन ये सिंबल प्रयोग किया जाएगा, देन लास्ट में स्टॉप का हमारे पास साइन है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि हम फ्लो चार्ट में किन किन साइंस, किन किन सिंबल्स की सहायता से जो है वो प्रोग्राम बना रहे हैं। देन नाउ वी विल डिस्कस सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के लाभ। किसी भी प्रोग्राम में कम्युनिकेशन की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है, मींस संदेशों की जानकारी, संदेश कहाँ से आ रहा है, किस तरफ जा रहा है, क्या है, यह आसानी से फ्लो चार्ट के माध्यम से पता लग जाता है। फ्लो चार्ट की सहायता से किसी भी प्रोग्राम को आसानी से समझा जा सकता है। फ्लो चार्ट की सहायता से डाटा कहाँ फ्लो करता है ये आसानी से पता चल जाता है, और किसी भी न्यू सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए यह एक सबसे अच्छा टूल माना जाता है। देन नाउ वी हैव सम डीमेरिट्स ऑफ द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बनाने में, डिफरेंट सिंबल्स बनाने में, प्रोसेस बनाने में जो है वो बहुत अधिक समय लगता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी ये बहुत ही धीमी गति प्रदान करता है, और फ्लो चार्ट को प्रोड्यूस और मैनेज करना बहुत ही कठिन होता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट के प्रोसेस सिंबल्स क्या हैं और फ्लो चार्ट के क्या लाभ और हानियां हैं ये हम डिस्कस किए। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।